बी माय वैलेंटाइन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कॉमेंट करके बताना। और आज की जो मॉर्निंग है वो हो रही है धूप में सब्जी छीलते हुए, क्योंकि मैं नहा धो चुकी थी और मैंने किया था हेयर वॉश। और हेयर वॉश करने के बाद लगता है कि अब तो धूप में बैठ जाओ। वैसे भी मैं जिस दिन धूप निकलती ना प्रॉपर तभी हेयर वॉश करती हूँ, वरना मैं पंगे नहीं लेती हूँ फालतू में। जिस दिन फॉग होता है उस दिन नो हेयर वॉश एट ऑल। और वैसे भी ना हरी प्याज थोड़ा सा टाइम तो लेती है छीलने में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हरी प्याज छीलते रहते हैं और अपने बालों को सुखाते रहते हैं, वरना धूप चली गई तो ठंड मेरे अंदर बैठ जाएगी और मुझे लग जाएगी ठंड। और वरुण भी बाहर ही घूम रहे थे, तो बस हम लोग बातें कर रहे थे और मैं अपनी सब्ज़ी छील रही थी। मैं धीरे धीरे ना बालों को सुखा रही थी, कभी इस साइड से कभी इस साइड से, ताकि पूरा मेरा जो सर है, बाल है, वो सूख जाए प्रॉपरली। यार पता किस किस को आलस आता है विंटर्स में हेयर वॉश करने में, मुझे बहुत आलस आता है। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रॉपर धूप हो ना उसी दिन मैं करके सुखा लूँ, वरना फिर ठंडे ठंडे लगते हैं तो मुझे बहुत आलस लाता है। उसके बाद भी मैं क्या करती हूँ, लाइक पूरा हेयर मैंने सुखा लिए, उसके बाद भी मैं शाम के टाइम ना एक बार ड्रायर अपने सिर में लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा गर्म गर्म लगे, वरना मुझे बहुत ठंड लगती है हेयर वॉश करने के बाद। और मैंने हेयर कट भी ना इसीलिए करवाया था कि हेयर वॉश का चक्कर ज़्यादा ना पड़े, ज़्यादा लंबे बाल, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा हेयर वॉश। अभी छोटे वालों में तो ठीक है, चल जाता है, जल्दी सूख जाते हैं। वैसे भी मेरे बाल बहुत टाइम में सूखते हैं, मतलब काफ़ी देर में सूखते हैं, और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो मैं हेयर वॉश ना ऐसी टाइप से करती हूँ। और यहाँ बस प्याज सब्ज़ी कट गई है, हेयर मेरे ऑलमोस्ट सूख गया, मतलब लाइक 80% तो सूख गए हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और कल मतलब संडे को मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लंच पे जाएंगे, इतना फॉग था पूरे दिन कि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, तो इसलिए संडे को कोई व्लॉग नहीं बनाता। एंड ये वाला जो व्लॉग है ये है कल का, लाइक मंडे का। किस किस को हरे प्याज आलू की सब्जी पसंद है, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और इसमें ना मैंने हरी मिर्च काट ली है चार, तो थोड़ी सी स्पाइसी स्पाइसी सी मजा आ जाता है। और साथ में एक छाछ का पैकेट मैं तड़का लगा लेती हूँ, जब तक मेरी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो रही है, पर मुझे छाछ नहीं दिख रही है, शायद फ्रिज में रख गई है क्या। हाँ किसी दिन जल्दी मेरी कढ़ी बनानी है, कब बनाऊं कढ़ी? कल बना लूं कढ़ी, कढ़ी बना लो, कल तो छुट्टी है वैसे। हाँ रायता बनाऊं क्या? नहीं नहीं यार, छाछ ही चाहिए। चल ठीक है, बूंदी डाल दूं रायते में? रायता बनाओ या छाछ बनाओ? आपका जो मन। चलो आज बूंदी डाल देती हूँ। तो छाछ बन गई, मतलब निकली ही नहीं थी अभी पैकेट में से। और सब्जी छोक देते हैं। मेरी जो मसालदानी की स्पून है ना वो ऐसे टूट चुकी है, वैसे बस स्टील की चम्मच है इसके मसालदानी के साथ की, वो उठा के मैंने कहाँ रख दिया ये, इसे मैं वॉश करूंगी अभी। और मेरे को पता नहीं कहाँ से मिली थी ये स्पून, तो मैं इसे यूज कर रही थी, टूट चुकी है पूरी तरीके से। मैं इसे कवर करने वाली हूँ इस वाली प्लेट से, क्यों बताती हूँ अभी क्यों। वैसे तो मैं इसे उससे लिड से कवर कर सकती थी, बट मुझे इस प्लेट के ऊपर रखना है ये वाला डिब्बा जिसमें मैंने छाछ पलट लिया, ताकि थोड़ा सा ना ये हल्का सा गुनगुना रहे। मतलब अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर भी ना ठंडा रखता है, तो इसकी मतलब हीट से ना ये हल्का सा गुनगुना रहेगा, तो इसे मैं कवर कर दूंगी एक छोटी प्लेट से, तो हल्का सा ही गुनगुना रहेगा, मतलब इसलिए मैंने ना इसे इस प्लेट से कवर किया है। और थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं ताकि गिरे ना। We'll
तो यहाँ पे लग रहा है रायते में तड़का, कौन इस तरीके से लगाता है। एंड अगर कोई प्रॉपर वीडियोस चाहता है इस तड़के की तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। उसके बाद तैयारी मेरी सारी हो ही चुकी थी, मैं आ गई हूँ हेयर कॉम करने के लिए। और पता है गीले बालों को कभी भी कॉम्ब मत किया करो, उससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जब आपको लगे कि आपके 80% बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं उसके बाद ही हेयर कॉम किया करो। तो मैं अभी बस हेयर कॉम कर रही थी एंड बस देखते हैं किचन में क्या क्या चल रहा है। ये देखो रायता बहुत अच्छा खासा गर्म हो चुका है और मैं सब्ज़ी चेक कर रही हूँ, यहाँ पे ना सड़ासी नहीं मिल रही थी, तो इस तरीके से डगमग 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 होता हुआ मैं इस प्लेट को लेके गई हूँ। आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं सड़ासी को, जो प्लेट प्लेट पकड़ने के काम आती है हम लोग सड़ासी कहते हैं। तो मैं सब्ज़ी को चेक कर रही थी कि पूरी तरीके से आलू गल चुके हैं या नहीं, और मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बट हरे प्याज में ना ऑलरेडी पानी होता है, तो आप देख लो कितना ज़्यादा पानी पानी हो गया है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी प्रॉपर गली है या नहीं है आलू कट करके एक बार। ये देखो सब्ज़ी तो गल चुकी है, तो मैंने सोचा कि हाई फ्लेम पे ना इसका पानी सुखा देती हूँ। अब थोड़ी देर इसे कवर करके कुक करना होता है, थोड़ी देर इसे खोल के कुक करना होता है। हाई फ्लेम कर दिया है ताकि इसका पानी जल्दी से सूख जाए। एंड सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और रायते में बूंदी पुदीना धनिया सब कुछ डल गया है और हल्का सा ना गुनगुना हो गया है, बट मैंने इस वाले तवे पे रख दिया क्योंकि तवा ना भी हल्का सा गर्म कर रही हूँ रोटी बनाने से पहले, तो वैसे तो तवा गर्म हो गया है, इसको बीच में रख देते हैं ताकि दोनों जो गैस की हीट है ना इस पे लगती रहे। सब्जी आप देख लो कितनी टेस्टी लग रही है, एकदम ड्राई ड्राई, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बूंदी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ना ऐसी सब्जी के साथ एकदम पतला वाला रायता अच्छा लगता है, बूंदी वाला, काफी ज्यादा बूंदी और पतला रायता। तो आज का हमारा यही स्पेशल खाना है और वरुण कर रहे हैं पूजा, तो पूजा हो गई है और रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे ना रोटी थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है और मैं क्या करती हूँ बेसिकली रोटी को ना थोड़ा क्रिस्पी सेकती हूँ और उस पर अच्छे से घी लगा के फिर उसे ऐसे मसल देती हूँ रोटी को पूरा, और वही रोटी ना बड़ी टेस्टी लगती है, उसे दो बाइट में एकदम तोड़ के खा लो। और वरुण को भी वही अब चस्का लग गया, उनका कहना है कि भाई रोटी को तो ऐसे मसल के दे पूरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ, मुझसे ना मोटी रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती है, और जैसे कि आप प्लेन रोटी लो उस पर घी लगाओ तो आप कम क्वांटिटी में खा पाओगे, बट अगर ऐसे ऐसे मसल दो ना तो आप ज्यादा रोटी खा जाओगे, पर डाइट के लिए अच्छा नहीं है, बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है टेस्ट उसकी वजह से। आप एक बार जरूर ट्राई करना, मैं भी दिखाती हूँ किस तरीके से बोल रही हूँ। लाइक ये रोटी सीखी एंड इस पे ना घी तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, जैसे घी निकाला अब ये इस तरीके से कर दो ऐसे। मैं इतनी पतली रोटी बनाती हूँ, इतनी पतली, एंड अब इस रोटी को जो खाने में मजा आएगा ना वो बहुत ही टेस्टी आता है, इस तरीके से रोटी मुझे अच्छी लगती है काफी ज्यादा। तो कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कुछ स्पेशल मंगाया है वरुण के लिए, और वो गिफ्ट ये रहा, और वरुण अभी कर रहे हैं ऑफिस का काम, बुलाते हैं वरुण। एक मिनट आओ, एक मिनट आओ। क्या हुआ? आगे मैंने कुछ मंगवाया है स्पेशल। क्या है भाई, दिखाओ एक बार। ये ना ऐसे है, ये ठीक है, तो मैं आपको देना चाहती हूँ, ये वैलेंटाइन स्पेशल है, प्री वैलेंटाइन है, प्री वैलेंटाइन है, तो
तो मैं आपको देना चाहती हूँ, विल यू बी माय वैलेंटाइन। आज मैंने ऑन स्क्रीन पहली बार आपको विल यू बी माय वैलेंटाइन पूछा है, आपने यस और नो भी नहीं बोला। यस 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 यस। क्या है देखो क्या है। अरे वाह यार शानदार। मैं आपको तो दिखाती हूँ। हाँ थैंक यू नोट, एक थैंक यू नोट है जहाँ से मैंने मंगवाया है वहाँ का नोट है, वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगी। बट उससे पहले है ये बहुत ही प्यारा सा बॉक्स एंड ये इसकी पैकिंग थी, ये रिबन वगैरह, ये रिबन था वाओ। और ये हैप्पी वैलेंटाइन वरुदिका। मैंने वरुदिका इसलिए लिखवाया है क्योंकि दोनों के लिए, आपके लिए भी है मेरे लिए भी है। एंड यहाँ पे हमारा फोटो लगा हुआ है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा ना, मसूरी वाला फोटो है। हाँ बाकी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, पहले अनपैक कर लेते हैं इसको। भाई बहुत अच्छा है यार, करो अनपैक, ये यहाँ से खोलो। तो ये हमारा ना प्री वैलेंटाइन सेलिब्रेशन है। ये कब मंगवाई आपने? ये मैंने आपको कब बताया ना, मेरा कुछ कोरियर आ रहा है तो वो यही था। मैंने ये शायद 3 या 4 दिन पहले ऑर्डर किया था, शायद 4 दिन ही हुए अभी। बहुत ही प्यारी पैकिंग है, मुझे इसकी ना पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बहुत अच्छा है, चोको क्राफ्ट से मंगवाया है, इंस्टाग्राम पेज है ये, वहां से मैंने मंगवाया। अच्छा अच्छा। एंड इस पे जो देखो ये टेप लगा है ना, ये भी चोको क्राफ्ट का है। हाँ यहाँ पे जो टेप है ना, ये भी चोको क्राफ्ट का। एंड ये दिखा दो इसका फर्स्ट जो ऊपर का वो है ना, ये बॉक्स है। एंड लुक एट दिस, हमारा मसूरी का फोटो एंड हैप्पी वैलेंटाइंस। बॉक्स बहुत अच्छा है, डे वरुदिका, वरुदिका अच्छा लिखवाया है। हां नाइस। एंड मैं इस बॉक्स को ना कभी नहीं फेंकने वाली हूँ, इसे मैं इतना यूज करने वाली हूँ क्योंकि इस पर फोटो लगा हुआ है हमारा, तो इसे आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया में कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी। एंड ये चोको क्राफ्ट, वाओ। इसमें खुलते एक नोट है, ये आपके लिए मेरी तरफ से, पढ़ो क्या है। तो ये नोट है, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। हाँ पढ़ो, ये मैंने खुद ऐड करवाया है कि ये नोट चाहिए मुझे। अच्छा ये आपने खुद, ये मैंने ऐड करवाया है। हाँ You are not just my friend, you are my love. You are not just my love, you are my heart. You are not just my heart, you are my life. You are not just my life, you are my everything. Yeah, wow. This is for wow. you. आपके लिए मैंने नोट करवाया ये। Ah. Valentine's gift. मेरे मतलब इसका इशारा समझो ना कि मतलब Valentine आने वाला है। Oh. आपको भी दिखाती हूँ, अनपैक तो हो गया। ये बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया, एंड इसको आप ओपन करोगे, बहुत ही क्यूट सा बॉक्स है, बहुत ही लाइट वेट है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से एक नोट जो आप अपनी पसंद से डिजाइन करवा सकते हो, कुछ भी लिखवा सकते हो। सो वो एक नोट है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मिलने वाली है यहाँ पर इतनी ज्यादा प्यारी चॉकलेट्स। एंड बेसिकली मेन बात पता है, अगर मैं चाहती ना तो ये जो मैंने फोटो दिया है ना, ये फोटो हर चॉकलेट पे भी डिजाइन करवा सकती थी। अच्छा। हाँ ये ऑप्शन था कि आप, तो उसके इसमें साइज बड़ा होगा चॉकलेट का? नहीं वो डिपेंड करता है आपको बड़ी चॉकलेट चाहिए या नंबर ऑफ चॉकलेट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा। कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए, अगर आप कम चॉकलेट लोगे नंबर में तो साइज बड़ा हो जाएगा चॉकलेट्स का। और ये इस तरीके से पैकिंग है। एंड अभी चलते हैं, ये देखो चॉकलेट्स इस तरीके से ना पैक हो रही हैं, एंड हर चॉकलेट पे लिखा हुआ हैप्पी वैलेंटाइंस डे वरुदिका। तो मैंने वरुदिका इसलिए लिखवाया है क्योंकि वैलेंटाइंस तो दोनों का है। एंड वरुदिका एक पहचान बनाई है आप लोगों ने हमारी, हम दोनों के लिए, वरुण और वेदिका, तो हमारी एक ही पहचान है जो आप लोगों ने बनवाई है हमारे साथ। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों पर वरुदिका लगवाती हूँ, ना वरुण ना वेदिका, वरुदिका। तो अभी चॉकलेट टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है यार। हाँ मतलब, और मैंने पहले इसलिए मंगवाया ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके वैलेंटाइन इज सो डियर, तो पहले गिफ्ट दे सकते हो। जल्दी जल्दी मंगवा लो भाई। हाँ ये देखो एक एक चॉकलेट ना इस तरीके से पैक होके आई है, लाइक दिस, ठीक है ये पैक है। एंड इसके अंदर हार्ट शेप की चॉकलेट, सो क्यूट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये ऊपर वाला खाने का है क्या है ये? हाँ ये खाने का, ये व्हाइट चॉकलेट है ना, ये वैलेंटाइंस डे। टेस्टी है। बहुत टेस्टी चॉकलेट है। चॉकलेट बहुत अच्छी है। बहुत टेस्टी है। एंड ये पैक ऑफ 6 है। अगर आप बेसिकली ना आप इसका साइज बड़ा करवा सकते हो, यहाँ पे फोटोज लगवा सकते हो, जो फोटो बाहर लगा हुआ है वो हर एक चॉकलेट पे लग सकता है। मैं बहुत सारे इस टाइप के जो पेज है ना वो यहाँ पे डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं।
एंड एक चीज बहुत, क्योंकि वैलेंटाइन वीक आने वाला है तो आपको मिलेगा 20% ऑफ हर प्रोडक्ट पे, जो भी प्रोडक्ट है सब पे 20% ऑफ मिलेगा। मोर ओवर ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी शिपिंग फ्री है, लाइक शिपिंग के कोई चार्जेस नहीं है, 20% ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो, तो भाई जल्दी मंगवा लो उसे तो। हाँ, चॉकलेट बहुत टेस्टी है यार, उससे पहले कि उनका ऑर्डर ज्यादा आ जाए और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट है। और कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब वैलेंटाइन आ रहा वाला, आप मुझे कुछ दे देना। हाँ बिल्कुल, आपको भी मिलेगा कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? लेट द टाइम गो। यस यस, ओके चलो ठीक है, फिर इस वाले वीडियो को ना यहीं पर खत्म कर देते हैं। जा रहे हो आप? ठीक है जाओ, मैं आपके लिए खत्म कर देती हूँ। तो वरुण तो चले गए काम करने के लिए ऑफिस का, एंड इस वाले वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर खत्म। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड साथ में ये जो चॉकलेट्स हैं ये पसंद आई होंगी, मैं मस्ट ट्राई करना यार। खा गए ना पूरी चॉकलेट आप? खा गए? तो एक चॉकलेट मेरी फिनिश हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा मीठी नहीं है, मैं चॉकलेट बहुत ही कम खाती हूँ, बट मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगता है कि चॉकलेट लवर्स को तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एंड मोर ओवर यार कुछ स्पेशल है, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी स्पेशल है। वीडियो खत्म करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।